तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज आप लोग में से बहुत से लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं SKMU दुमका का सिलेबस कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। ठीक है, और 4 साल के ग्रेजुएशन में आपको जो है सिलेबस बार बार चेंज करते रहता है कोई भी यूनिवर्सिटी। और हम बात कर रहे हैं अभी SKMU का, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। 1992 में इसका स्थापना हुआ था भागलपुर यूनिवर्सिटी से अलग करके। ठीक है, इसका सिलेबस कैसे देखेंगे, चाहे आप किसी भी सेशन में हो, 22-26 सेशन में हो, ठीक है सेमेस्टर 3 का, या फिर आप 23-27 सेशन में हो सेमेस्टर 2 के लिए, या फिर 24-28 सेशन हो, या फिर आने वाले फ्यूचर में कोई भी सेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट, ये यहाँ पे। ठीक है, कैसे आइएगा चलिए शुरू से बताता हूँ। आपको अपना मोबाइल खोलना है, ठीक है, गूगल आना है और यहाँ पे लिखना है SKMU। ठीक है, ये चीज आपको लिख के सर्च मारना है, SKMU लिख के सर्च मारिएगा तो आपको सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं। अब देखिए आपका इसका पेज खुल जाएगा। ये यूनिवर्सिटी है जो कि दुमका में बना हुआ है और ये 6 जिलों में काम करती है। 6 जिला कौन कौन सा है जानकारी थोड़ा बहुत रखा कीजिए। चलिए लाइन कट गया यार, बहुत बाजा बजा रहा था हम लोग। तो दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और देवघर, ये 6 जिला में इसका कॉलेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस एक तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा, जैसे कि सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। ठीक है, और यहाँ पे सेमेस्टर 5 और 6 का सिलेबस दिखा रहा है। ये तो कुछ कुछ दिखा रहा है, हमको जानना है पूरा सिलेबस। पूरा सिलेबस जानने के लिए आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एकेडमिक, ये 3रा नंबर। ठीक है, पहला है होम, दूसरा है अबाउट, तीसरा है एकेडमिक। आपको इसी एकेडमिक पे आना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद क्लिक कीजिएगा सिलेबस पे। एक मिनट, मेरी मम्मी बुला रही है यार, थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो लाइन कट गया ना, मेरी मम्मी बोल रही कहाँ रख देने रे लाइट। चलिए तो ये हो गया, अब आपको आना है कहाँ पे, अकेडमिक्स पे। ठीक है, इस अकेडमिक्स पे आइएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस लिखा आ रहा है। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया, अरे यार, इस पे क्लिक करते रखिएगा और इधर आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और एक फिर है आपका UG प्रोग्राम NAP। ठीक है, ये नया एजुकेशन पॉलिसी यहीं से मिलेगा। यहाँ पे देखिए PG का है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, वोकेशनल कोर्स का, MDC सिलेबस और NAP 2023-27 सिलेबस। ठीक है, आपको जो भी देखना है, सपोज डेट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ UG प्रोग्राम NAP, इस पर जैसे क्लिक किया तो हमारे सामने प्रोग्राम आ गया। अब यहाँ पे सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी का है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है यहाँ पे बॉटनी, बंगाली, इसको पूरा ऊपर तक उठा लेते हैं तो जूलॉजी है, इस तरह से सबका सिलेबस है। अब कैसे पता कीजिएगा कि यह कौन का है और कौन सेमेस्टर का है, सिंपली रीड पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा थोड़ा सा, और ये ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपग्रेडेड एंड इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 3rd सेमेस्टर ऑफ अकेडमिक सेशन 22-26 एंड 1st सेमेस्टर ऑफ 23-27, यानी कि 23-27 वाले के लिए भी काम देगा और 22-26 वालों के लिए। अब बोलेगा 24-28, हाँ भाई उनका भी काम देगा। ठीक है, तो 22-26 वालों के लिए भी काम देगा, 22-26 वाले का सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस कुछ दूसरा था, अब जो है सबको एक साथ कर दिया है। ठीक है, तो 22-26 का सेमेस्टर 3 यहीं से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए आपको पढ़ना क्या क्या है, तो जैसे यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है और ये किस सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंथ्रोपोलॉजी ऑनर्स का है। ठीक है, इसको ऊपर उठाइएगा सिंपली, तो एंथ्रोपोलॉजी का जितना भी है आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे सेमेस्टर 1 में मेजर पेपर 1 पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 पढ़ना है और मेजर पेपर 3 पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 3 में मेजर पेपर 4 पढ़ना है और मेजर पेपर 5 पढ़ना है। ठीक है, अब देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाइएगा तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम देखने को मिलेगा। इसको और ऊपर उठाइएगा और ऊपर, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे देखिए देखने को मिलेगा आपका ये इस टाइप से कुछ। सेमेस्टर 1 में कितने सारे सब्जेक्ट होंगे, तो पहला एक IC का सब्जेक्ट होगा, दूसरा VAC का होगा, तीसरा SAC का होगा, MDC का होगा। ठीक है, मतलब ये सेमेस्टर 1 में इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके साथ ही सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 4, 5, 6, 7, 8 सबका दिया हुआ है। फिलहाल ये चेंज भी हो सकता है, तो फिलहाल जिस सेमेस्टर का आपका एग्जाम है आप केवल उसी का देखिए, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है,
अब देखने के बाद यहाँ से आपको एक मिनट यार, इसको फुल स्क्रीन में मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये F11, चलिए शॉर्टकट की दिया है कंप्यूटर का आप लोगों को, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आ जाता है मेजर पेपर, यहाँ पे कितना मार्क्स का है, तो 75 मार्क्स का है और 25 नंबर आपका इंटरनल होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक। और इंस्ट्रक्शन के बाद शुरू होता है आपका क्वेश्चन। यहाँ से अकाउंट पेज का PDF देख रहे हैं, तो यहाँ से शुरू हो जाता है, सेमेस्टर वन लिखा है, ठीक। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट है, पेपर का नाम क्या है, मेजर पेपर वन। तो आपको पढ़ना क्या है, ये देखिए जो यूनिट लिखा है ना, यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, यूनिट फाइव, यही सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा है एक का, इसी तरह से आपके जितने भी बाकी सब्जेक्ट है वो सब इसी तरह से चेक कीजिएगा। अब चलिए मैं कुछ और चीज़ें आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से तो पता चल गया, अब जैसे वहाँ पे आपका लिखा था AC, ठीक है, AC कहाँ से खोजिएगा, तो आप लोग जो है खोजिएगा, यहाँ पे AC नहीं है, देखिए ना, जैसे सेमेस्टर वन में लिखा था ना वहाँ पे AC, और एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है पहले वो पता कर लीजिएगा, ठीक है। यार नेट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ हम तो गा रहे हैं, ये जा रही है मेरे मुंह में, बुला रही थोड़ा सा जायो। हाँ मेरा मैं हमको भी नहीं दे, एक मिनट चलिए यार, मतलब यही होता है, हम छत में, मेरी माँ नीचे में। तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, ये जो पेपर है आपका मेजर पेपर केवल यहाँ से पढ़ाई हुआ, माइनर फिर पढ़ना है, MDC पढ़ना है, SEC पढ़ना है, BEC पढ़ना है, AC पढ़ना है सेमेस्टर वन के लिए, ठीक है। सेमेस्टर टू का उसी तरह से अपना अपना देख लीजिएगा, फिर आपका सेमेस्टर थ्री का है, तो AC पेपर एक है, एक SEC पेपर है, MDC है, तो यहाँ से तो हमें केवल मेजर पेपर पता चल रहा है, अब हम कैसे पता करें दूसरा, तो यहाँ पे आइएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे तो सब आपका है मेजर पेपर है, ठीक है। लास्ट में एक MDC का पेपर है, ये जूलॉजी का है, ठीक है, MDC। अब हम फिर से यहीं पे आएंगे, अकेडमिक्स पे, सिलेबस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे ये 23-27 वाला पे, ठीक है, 23-27 वाले पे आएंगे और यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा, देखिए AC पेपर है नीचे में, AC पेपर, यहाँ से सेमेस्टर 1, 2 और 3 का AC पेपर मिल जाएगा। माइनर पेपर देखिए MN पेपर इसको बोलते हैं, MN, ठीक है, माइनर पेपर यहाँ से, ठीक है। फिर बैक का पेपर, तो इसी को बोलते हैं बैक, फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्स यहाँ से मिल जाएगा। SEC का पेपर है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे थे, अब बोलिएगा यहाँ पर भी तो हमें दिया है, हाँ यहाँ पर भी दिया है, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मैं बस दिखा रहा था तो यह कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ पर और वहाँ पर, बस यूनिवर्सिटी वाले ऐसे ही डाल देते हैं इधर उधर करके, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखा है कि इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अकेडमिक सेशन 23-27, तो सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी पढ़िए। सेमेस्टर वन टाइटल ज़्यादा अपडेटेड कर है, इसको देख लेते हैं, साइन कब हुआ है, सिग्नेचर इस पर, तो ये आपका 2023 में साइन हुआ है, 12 मार्च 2023 को, ठीक है। और उसमें कब साइन था, तो ज़्यादा जो लेटेस्ट रहेगा उसी को ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना पढ़ लीजिएगा, एक मिनट और देख लेते हैं थोड़ा सा लेटेस्ट वाला, तो वो जो एंथ्रोपोलॉजी का था इसमें कब का साइन है, तो इसमें जो साइन है आपका ये कब का दिखा रहा है, तो 18/7/2024, तो ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो लेटेस्ट वाला को पढ़िए, ज़्यादा बेटर रहेगा, वो 2023 में था, ये 2024 में है, ठीक है। तो यहाँ से अपना पेपर को देख लीजिए, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कहाँ से हम निकालेंगे, और इसको ये डाउनलोड हो गया, अब आप जो है यहाँ इस तरह से डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में, अपने डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, अब बोलेगा नहीं मुझे फिर भी बताइए अच्छे से, तो देखिए भाई अच्छे से जानना है तो फिर क्लास में आना पड़ेगा, क्लास 22 तारीख के बाद से शुरू होगा, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो अभी भी अपलोड है SKM दुमका के, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल लाइन तो कट गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, बाय।